हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। तो जस्ट आपको कुछ बातें बोलना था। मैं बोल रहा यार, कट ऑफ क्लियर कर पाओगे कि नहीं? कुछ लोग इतना सारा यूट्यूब में कंटेंट मिल रहा है, एटलीस्ट यार जो लोग थर्ड ईयर में जो लोग हैं वो लोग तो कट ऑफ क्लियर कर लो, या जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी वो कट ऑफ क्लियर कर लो आप। क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना भी पहला स्टेप है। अगर आप सोचोगे कि कट ऑफ क्लियर करके क्या ही कर लेंगे, तो अगर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो कट ऑफ क्लियर करना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई है या आप लंबे समय से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, यकीन मानिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी देखो, मैथ्स का आज पूरा मैराथन चल रहा था। अगर आप मैथ्स को फॉलो कर लोगे, गेट अकेडमी चैनल को ही फॉलो कर लोगे, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आप थर्ड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो, लेकिन अपने प्रिपरेशन बहुत लेट चालू किए, आप माई 23 क्वेश्चन मेरा फॉलो कर लीजिए। मैं नेटवर्क का माई 23 क्वेश्चन करवा लिया हूं, आप मेरे कंसेप्ट सुनिए, आप देखिए। मैं कंट्रोल सिस्टम को भी लेने वाला माई 23 क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ आप क्लियर तो कर ही लो यार। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर 25-30 नंबर लेके क्या करेंगे। अरे यार, जिंदगी की जर्नी कई बार बड़े ऐसे ही मोड़ से स्टार्ट होती है, और अगर आप वो ऑप्शन ही बंद कर दोगे तो कैसे होगा? क्या आपको पता है कि अभी इतना सारा ले ऑफ हो रहा है? आप बोल रहे हो कि हमारा ड्रीम कंपनी गूगल है, जाके पढ़िए गूगल में कितना ले ऑफ हुआ है। आपका ड्रीम कंपनी फेसबुक है, जो भी नया नाम मेटा है, तो आप जाके देखिए ना कितना ले ऑफ हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट का देखिए। मैं बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी वाली जितनी कंपनीज है वहां पे भी ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि रिसेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप गेट में अच्छा कर लोगे, पीएससी में चले जाओगे, टेक्निकल कंसेप्ट अच्छा कर लोगे, आप गवर्नमेंट जॉब लगा लोगे, आप अच्छा पढ़ोगे, आप एसएससी वगैरह लगा लोगे, एक अच्छी जगह पे, स्टेबल जगह पे अगर आप आ गए ना, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। अदरवाइज ना पता नहीं कि कब जिंदगी मतलब किस मोड़ पे कैसे चेंज होते रहेगी, यकीनन बता रहा हूं। आपको सच में आइडिया तो रहता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है? आपको सच में आइडिया रहता है कि हमारे चारों साइड क्या हो रहा है? सच में रहता है कि नहीं रहता है कि बस आप सिर्फ अपनी जिंदगी में जीते रहते हो? अरे सर कट ऑफ क्लियर करके क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी ऐसे ही स्टार्ट होती है, अगर आप इसको ऐसे स्टार्ट करना चाहते हो तो। या तो फिर क्या क्या ही बात करेंगे यार हम लोग फिर। और क्यों लोग इतना डिमोटिवेट हो जा रहे जिंदगी से यार? क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे? क्या चाहते हो बताओ? सर टेक्निकल पढ़ाई नहीं होती तो फिर बिजनेस प्लान सोचो। टेक्निकल पढ़ाई नहीं होती तो फिर बिजनेस प्लान कुछ तो करोगे ना जिंदगी में बेटर करने के लिए, या अपने आप किसी मैजिक का वेट कर रहे हो? या फिर वो एक अभी भुवन बाम का एक वेब सीरीज आया है, हॉट स्टार पे आया मेरे अंदाज से, ताजा खबर या समथिंग कुछ तो आया है। उसमें चमत्कार जो होता है ना, मैजिक, वो देख लो आप, तो आपको लगेगा कि ऐसी जिंदगी कुछ हो मतलब है? पहले हमको न्यूज पता चल जाए पहले से जो होने वाला है, तो उसका एंड देखिएगा आप, उसका एंड देखिएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर बहुत स्ट्रगल है, सर मजा नहीं जिंदगी में, तो यकीनन सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है, आपकी मेरी, या जिनको हम सिर्फ दूर से देखते हैं, जिनको सही में जानते नहीं है, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है। आप किसी की भी जिंदगी के पास जाके देखोगे ना, तो उसकी जिंदगी का स्ट्रगल दिखेगा। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा क्या स्ट्रगल सर, सब तो सही इनकी जिंदगी में, उसी मेरी जिंदगी में स्ट्रगल। ऐसा सबको लगता है, सबको लगता है कि दूसरे की जिंदगी बेटर है और क्या स्ट्रगल नहीं होगा, यकीन मानिए। तो बस मेरे को लगा कि यार आप कट ऑफ तो क्लियर करो ना एटलीस्ट। अगर जिनकी प्रिपरेशन सर कुछ हुई नहीं है, सर पिछले 10 दिन से पढ़ना चालू किए और थर्ड ईयर में सर सिर्फ गेट का फॉर्म भरे थे, अरे पहला स्टेप क्लियर करके भी तो अच्छा लगता है, किसको बताने की जरूरत है? कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कितना रैंक लाए हो? आपका खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 40 नंबर पर पढ़ के गए थे तो क्या 25 या 30 नंबर लेके आए? अगर आप 35 का पढ़ के गए थे तो क्या 25 नंबर लेके आए? अरे आप अपने आप से पहला स्टेप तो क्लियर करो यार। जिस दिन आप 40 नंबर की प्रिपरेशन करके जब आप ना 25 नंबर लाते हो, तो एक दिन 80 नंबर की प्रिपरेशन करके भी 50 से ऊपर नंबर ला सकते हो, 60 नंबर ला सकते हो। लेकिन आप अगर हर बार ये सोचोगे कि सर मजा तो सिर्फ मैजिक में है, सर बाकी चीजों में मजा नहीं है, तो मैं बोलूंगा सॉरी, फिर तो वेब सीरीज देखिए कुछ मजेदार चीजें, अदरवाइज तो यार मैं क्या ही बोलूंगा। तो अब आपको डिसाइड करना है। मेरे को लगता है कि कुछ लोगों को बताना जरूरी है कि आप अगर बहुत बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आप सिर्फ रिविजन करिए 4-5 सब्जेक्ट का और पेपर दीजिए, रिविजन कर लीजिए सिर्फ। मैथ्स और एप्टीट्यूड 28 में से 25 का टारगेट कर लीजिए। इतना तो गेट अकेडमी के चैनल पर इतना सारा हो रहा है, फॉलो कीजिए ना यार, फॉलो कीजिए।
जितने दिन एग्जाम में बचे पूरा फॉलो कीजिए, उसी में स्कोर आ जाएगा आपको जितना चाहिए। आपको एक टॉपर तो नहीं बना सकते भाई इतने कम दिन में, बस यही है कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए काम कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो सकता है, आप अपनी जर्नी को बेटर कर सकते हो, बस इतना ही हो सकता है। तो ये आपका चॉइस है यार कि आप कैसे सोचते हो, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मेरा काम है आप लोगों को बताना, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझते होंगे, नहीं चलो ठीक है, बाकी तो फिर ऊपर वाले भी छोड़ दो, और क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू।